हम ले आवा छह बाबा अलग पड़े हैं छह बाबा उठे कर रहा हम स्कूल तक रह गया है इस बीमारी में बीमार भी हो गए एलर्जी भी हो गई ड्रेस ले आवा बालका के स्कूल की हमारा गांव है बतपुर है जो कि शहर के बिल्कुल पास पड़ता है जींद के और हमारे गांव के अंदर पानी की जो निकासी है वो नहीं है जो जोहड़ है उसको चारों तरफ से नाजायज कब्जे हो चुके हैं और जितना जोहड़ बचा हुआ है उसके अंदर भी काफ़ी पॉलिथीन है और अन्य जो गंदगी है वो जमा हो चुकी है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या बताइए। समस्या हमारे यहाँ पर जो गाँव की गलियों के अंदर पानी ने बैक मार दिया है और उसके कारण क्या है गलियों के अंदर पानी खड़ा हो गया है और उस गंदे पानी में से सभी को गुजरना पड़ता है चाहे उसमें बच्चे हों महिलाएं हों बुजुर्ग हों सभी को यहीं से गुजरना पड़ता है और ये गांव की एक मेन गली है। मैं जिला प्रशासन से विनती करता हूं कि वो इसके ऊपर संज्ञान लें और हमारे मामले को मतलब सताई हल करें। इसका बार बार जो है भर जाता है और वो बैक मार देता है और गलियों के अंदर पानी बिखर जाता है। बोल रहे हैं कि लिखित में दे चुके हैं सेक्रेटरी साहब के पास तो उन्होंने कोई उचित कार्रवाई नहीं की? सेक्रेटरी साहब ने मेरे को गांव से पता चला गांव वालों से कि उन्होंने इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं की है और पानी अब भी गलियों के अंदर बिखरा हुआ है। तो क्या मांग चाहते हो अब आप उच्च अधिकारियों से? हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द स्थाई समाधान किया जाए। आपका नाम? ज्ञानचंद सिहाग।